अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर फातिमा लियाकत। आई एम अ क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट टेंस एंड ईएमएस। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द एब्रीविएशन ऑफ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एंड ईएमएस इज द एब्रीविएशन ऑफ इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेशन। नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम टेंस यूज़ करते हैं और मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए हम ईएमएस यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस ऑफ टेंस: पेन, न्यूरोजेनिक पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, रेडिकुलोपैथी, आर्थराइटिस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टेंस: पेसमेकर, प्रेगनेंसी, ओवर कैरोटिड साइनस और आइस, डायमेंशिया अक्रॉस चेस्ट अगर पेशेंट को कोई हार्ट इशू हो तो, एपिलेप्सी। टेंस लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट है, एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट, और ये एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशंस में यूज़ हो सकता है। व्हाइल ईएमएस इज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट जो कि डीसी है यानी कि डायरेक्ट करंट, ये स्टिमुलेशन करता है स्केलेटल मसल पंप की, स्पेशली एट द मसल बेली। टेंस के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हम पैरेलल और कॉन्ट्रालेटरल पोजिशन पे सेट करते हैं। कॉन्ट्रालेटरल मतलब ओपोजिट टू ईच अदर, यानी कि साइड डिफरेंट होती है, और पैरेलल में आमने सामने प्लेस होते हैं इलेक्ट्रोड्स। फॉर एग्जांपल, आप पेशेंट पे पैरेलल यानी कि आमने सामने इलेक्ट्रोड प्लेस करें, जैसे ये एक पेंसिल है और ये एक पेंसिल है, ये एक दूसरे के आमने सामने है, तो इलेक्ट्रोड एक दूसरे के आमने सामने ही प्लेस होंगे पैचेस टेंस के। अगर कॉन्ट्रालेटरल की बात करें तो एक ऊपर की साइड पर प्लेस होगा और एक बीनीथ की साइड पर प्लेस होगा इलेक्ट्रोड। टेंस में नर्व स्टिमुलेशन 1 to 100 मिलियन पेयर पे हो जाती है, लिगामेंट स्टिमुलेशन 5 to 50 मिलियन पेयर पे, और मसल स्टिमुलेशन 20 to 200 मिलियन पेयर पे। टेंस सेंसरी और मोटर दोनों नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। डिफरेंट मॉडल्स के 6 कन्वेंशनल टेंस जो कि हाई फ्रीक्वेंसी है, ऑक्यूपेंचर टेंस जो लो फ्रीक्वेंसी है, ब्रीफ टेंस, बर्स्ट टेंस, मॉड्यूलेटेड टेंस। टेंस के 6 प्रोग्राम्स हैं: टैपिंग 1, टैपिंग 2, नीडिंग, प्रेस, वाइब्रेशन एंड हाई वेलोसिटी। टैपिंग 1 एंड टैपिंग 2 में स्ट्राइकिंग होती है, नीडिंग में स्क्वीज लाइक मूवमेंट फील होती है पेशेंट को। कन्वेंशनल करंट पे फ्रीक्वेंसी हाई होती है और ये एक्टिवेट करता है अल्फा एंड डेल्टा फाइबर। ऑक्यूपेंचर मोड पे फ्रीक्वेंसी कम होती है और ये रिलीज करता है बीटा एंडोर्फिन्स को। ब्रीफ इंटेंस नोक्सियस स्टिमुलेशन को एक्टिवेट करता है और सी फाइबर्स को एक्टिवेट करा देता है। बर्स्ट मोड में जो मोटर नर्व्स हैं वो स्टिमुलेट की जाती हैं 2 to 4 फ्रीक्वेंसी और पल्स 150 to 250 पे। मॉड्यूलेटेड पे सेंसरी नर्व्स स्टिमुलेट की जाती हैं 60 to 100 की फ्रीक्वेंसी पे। लार्जर डायमीटर के फाइबर्स जो कि अल्फा फाइबर्स हैं वो लो इंटेंसिटी करंट पे स्टिमुलेट हो जाते हैं, इनका पल्स ड्यूरेशन 50 to 500 माइक्रोसेकेंड्स होता है। वाइल स्मॉलर डायमीटर के फाइबर्स लेस देन 500 माइक्रोसेकेंड पर स्टिमुलेट हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेंस: फर्स्ट है पेन गेट मैकेनिज्म जिसके थ्रू अल्फा बीटा सेंसरी फाइबर्स जो हैं हम हाई फ्रीक्वेंसी यानी 90 to 130 पे उनको स्टिमुलेट कर लेते हैं और रिडक्शन हो जाती है ट्रांसमिशन की ऑफ नोक्सियस स्टिमुलस जो कि पेनफुल स्टिमुलस है फ्रॉम सी फाइबर्स। इस तरह से पेन पाथवे ब्लॉक हो जाता है और पेशेंट को पेन की सेंसेशंस नहीं आती। सेकेंड है एंडोजीनियस ओपियोइड सिस्टम जिसमें अल्फा डेल्टा फाइबर्स को लो फ्रीक्वेंसी जो कि 2 to 5 हर्ट्ज़ पे स्टिमुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से ओपियोइड मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जो कि पेन किलर मैकेनिज्म है बॉडी का नेचुरल, जिसकी वजह से रिलीज होते हैं एंडोजीनियस ओपियोइड, एंडोर्फिन, सीरोटोनिन और साइटोकाइनिन लेवल लो हो जाता है और पेशेंट को पेन की सेंसेशन कम हो जाती है। 1 to 5 की इंटेंसिटी के दरमियान नर्व स्टिमुलेट हो जाती हैं। 1 to 2 में सेंसरी नर्व्स एंड 2 to 4 में मोटर नर्व्स। 5 की इंटेंसिटी पे लिगामेंट और 20 की इंटेंसिटी पर मसल स्टिमुलेट कर जाता है। इन टेंस मशीन हाउ टू यूज टेंस: दिस इज टेंस। इस रेड साइन से हम इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसे 1 to 2 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और 1 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। इन दिस टेंस यूनिट्स दे आर डिफरेंट मोड्स। फर्स्ट इज टेंस जहाँ से हम एम के साइन से चेंज कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज ईएमएस जिसके थ्रू हम मसल को स्टिमुलेट कर सकते हैं। पी का साइन प्रोग्राम के लिए है 1, 2, 3, 4, 5 and 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ टेंस। दिस इज चैनल 2, ये वायर है केबल,
जिसके थ्रू हम टेंस में अटैच करते हैं चैनल वन या चैनल टू में। ये प्लस का साइन है इंक्रीज करने के लिए इंटेंसिटी को, और मैक्सिमम इंटेंसिटी 40 तक है इस यूनिट की। और ये माइनस का साइन जो चैनल के साथ है, ये इंटेंसिटी को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। तो इंटेंसिटी 1 से 40 के बिटवीन है इस यूनिट ऑफ द टेंस में। EMS के मोड पर भी हम सेलेक्ट करके इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं इंटेंसिटी को, टू स्टिमुलेट द मसल। मसल की स्टिमुलेशन EMS के मोड पर 2 to 5 के बिटवीन हो जाती है। प्लस का साइन इंक्रीज करने के लिए है, माइनस का साइन डिक्रीज करने के लिए। ये चैनल का नीचे शो हो रहा है, ये P से प्रोग्राम, M से मोड।